एक बार फिर से हुई है अंकिता और विकी में आर्ग्यूमेंट। गुस्से में विकी ने छुड़ाया अंकिता से अपना हाथ। दरअसल होता कुछ यूं है कि गार्डन एरिया में बैठी होती है अंकिता, उनके बगल में होते हैं विकी। यहाँ पर एक बार फिर से विकी और अंकिता की बात होती है और अंकिता का यही कहना है कि विकी उन्हें टाइम नहीं देते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। विकी गुस्से में वहां से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद दोनों नजर आते हैं बेडरूम एरिया में। अंकिता फिलहाल इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहती है, वो विकी से बात करना चाहती है। अंकिता विकी के हाथ को पकड़कर किसी साइड एरिया में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन विकी अंकिता को हाथ नहीं पकड़ने देते हैं और विकी अपने हाथ को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद विकी बोलते हैं कि तुझे जो बोलना है जहाँ लेकर जाना है तू बोल, लेकिन ऐसे मत कर। इसके बाद विकी और अंकिता साइड में बैठकर अपने सारे इश्यूज पर डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर विकी का कहना है कि अगर अंकिता का कभी भी कोई भी मुद्दा होता है तो मैं हमेशा वहाँ पर अंकिता के लिए रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी वाइफ है और मुझे इसे डिफेंड करना है। लेकिन जब कल मेरी फाइट हो रही थी तो तू मुझे बचाने या फिर मेरा सपोर्ट करने क्यों नहीं आई? अब इस पर अंकिता का कहना है कि मुझे पता ही नहीं था कि मुद्दा क्या है, कि किस बारे में फाइट हो रही है। फिलहाल विकी अंकिता से नाराज नजर आ रही है और नाराजगी की वजह ये है कि अंकिता ने नहीं लिया विकी के लिए स्टैंड। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।